ओम शांति। आज 9 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ये बाबा हम बच्चों को अपने कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। मैं क्यों आता हूँ? इस समय सारी दुनिया में आग लगी हुई है। पाप किया, भ्रष्टाचार किया, दुख किया, सब कुछ गर्म, व्यक्ति भी गर्म है। विकारों की तपत है ना। जरा ही कुछ होता है तो लड़ने को आता है, जरा ही कुछ होता है तो आंख दिखाने को आता है। तो ये विकारों की तपत है। तो बाबा आता है, हम बच्चों को ज्ञान देता है, ज्ञान से समझ आती है, जिससे ये विकारों की तपत जो है वो बुझती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। बाबा कहते, जब मैं ज्ञान देता हूँ तो उससे सारी तपत, गर्मी नष्ट हो जाती है और शीतलता हो जाती है। शीतलता सबको अच्छी लगती है। कोई भी अगर गर्म आवाज़ से भी बोलता है तो क्या कहते हैं, भाई बोलो लेकिन धीरे से बोलो ना, शीतल होके बोलो ना। तो शीतलता बनाना वो बाबा का काम है, क्योंकि इस समय सभी तपे हुए हैं। सभी तपत में बाबा ही शीतलता का सागर है। इसे जब बाबा आते हैं, श्री ज्ञान वर्षा करते हैं, तो क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़रा सा ऐसे करो तो पानी उड़ जाता है। लोग जानते पहचानते ही नहीं है, कहते ये क्या, समझते ही नहीं। धीरे धीरे करते करते बाबा जो ज्ञान बरसात करते रहते करते रहते करते, तो वो तपत ठंडी होती जाती है। फिर बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे हरियाली हो जाती है। बाबा ने कहा, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे। वो जो सत्ययुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। आज बाबा ने ब्राह्मण को धर्म भी कहा, वर्ण भी कहा। ब्राह्मण धर्म बाबा कहता है, पहले हम शूद्र वर्ण में थे ना और आश्रय धर्म के, तो जैसे परिवर्तन वाला धर्म जिससे हम देवता बनते हैं, शूद्र से देवता बनते हैं, धर्म धारणा। तो ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना, ब्राह्मण माना पवित्र। वो धारणाएं जब हमारी होती हैं तब हम देवता बनते हैं। तो बाबा उसको कहता है, अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो आप देवता नहीं बन सकते हैं। तो देवता वर्ण भी है, ब्राह्मण वर्ण भी है, क्योंकि एक जैसे। वर्ण माने कला, वर्ण माने ग्रुप। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ थोड़ी भी
पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा होता है उन्हों को, वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, आत्म अभिमानी बनना है तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं, याद नहीं याद करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं याद याद से खुशी मिलती है, याद से शक्ति मिलती है। तो जितना याद करेंगे बाबा को, वो कौन है, मेरा क्या लगता है, मुझे उससे क्या प्राप्ति है, क्या उसने मुझे दिया है, जब ये सब चीज़ें हम याद करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब ये बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते, ये कहावत भी है, गायन है, राधा से पूछा जाता है, राधा तुमने कौन से ऐसे तप किया जो तुम्हें श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति मिला, तो तप किया, तो तप जरूर उसने पहले किया होगा ना, श्री कृष्ण की साथी बनी तो तप तो जरूर पहले किया होगा। तुम जानते हो इस जन्म में ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य जन्म के लिए राज्य करेंगे, वो स्वर्ग में विराजमान होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना। फिर बाबा ने कहा कि तुमको मुक्ति धाम में बैठने जाना है, तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वो तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया। देखिए, जो कमाऊ बच्चा होता है वो क्या करना पसंद करेगा, कमाई। जो कमाने वाला नहीं है, खेलने कर रहे, थोड़ा सा उसको कमाई के लिए भेजो तो मुसीबत आती है, वापस आ जाएगा, कहेगा नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं यही कर लूँगा। हम बाबा के कमाऊ बच्चे हैं, तो कमाऊ बच्चे परमधाम में बैठ के क्या करेंगे, उनका दिल लगेगा कमाई में, उनका दिल लगेगा पढ़ाई में, उनका दिल लगेगा बाहर के काम करने में, तो हम एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। फिर आता है जब संगम, फिर से हम अपने को भरते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो मुक्तिधाम में बैठ के चुप करके, आपको चुप करके बिठा दिया जाए, यहाँ चुप करके बैठे रहो 6 दिन, लोग कोविड में अंदर रह के परेशान हो गए, आप सोचिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड में लोग बाहर नहीं निकल रहे, एक घर के अंदर ही हैं, परेशान हो गए हैं, तो सोचिए परमधाम में 5,000 साल बैठे रहेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए बाबा कहता है जीवन मुक्ति अच्छी है, जिसमें आप जीवन में भी है और हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं। क्योंकि कई सोचते वही रह जाएं, वापस ही ना आए, ऐसे वो दुख के कारण कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुख देखते हैं ना, इस कारण। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं, ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुंधा हुआ है, ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने कहा फिर कि तुम अभी पांडव बने हो, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो, बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, घर का तो किसको पता नहीं, यानी
कौरव पांडव भाई भाई जो बाबा कहते हैं ना, वो एक ही समय पर हुए और आत्मा रूप से तो भाई भाई हैं ही, और उसमें भी दिखाते शास्त्रों में चचेरे भाई थे। परंतु बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है, कौरव कौन जिनकी विपरीत बुद्धि, इसी बात से अलग है पहचान है। पांडव कौन जिनकी प्रीत बुद्धि है। तो अल्टीमेटली कौरव परमात्मा से प्रीत न रखने के कारण, भौतिकी दुनिया से प्रीत रखने के कारण, क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी, राज्य चाहिए था, और इस कारण से युद्ध पर उतर आए। और जो पांडव थे वो कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं सुख शांति चाहिए। तो इसलिए उन्होंने प्रभु से प्रीत रखी, प्रभु से प्रीत रखी तो वो जीत गए, विजयी हुए। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि हैं। ये कोई देवता थोड़े हैं, ये तो बत्तियाँ हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। ये जो सूर्य और चांद को देवता कहते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं, रोशनी देते हैं, शीतलता देते हैं, इसलिए उनको सूर्य देवता चंद्र देवता कह दिया। वास्तव में देवताएं तो कोई सेवा नहीं करते, उस समय सेवा न लेने वाला है कोई, न देने वाला है, सभी सुखी हैं। तो सेवा तो हम अभी करते हैं, पांच तत्वों की भी सेवा करते हैं हम, मनुष्य आत्माओं की भी सेवा करते हैं, प्रकृति की भी सेवा करते हैं। तो अभी का जो सेवा का पाठ है वो हमको सत्युग में उसका फल मिलता है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। बाबा कहते हैं वो माथा नहीं खपाते अर्थात तंग नहीं करते हैं। आज आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है, शरीर तंग नहीं करता। बाबा ने आज कहा कि पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने कहा कि अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मनाभव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। आज का वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति, दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति कौन सी है? सदा आलोकित और सदा सेवा पर उपस्थित। सेवा पर जैसे सूर्य सदा सेवा पर उपस्थित है, सूर्य जो है दोष को खत्म करता है, सूर्य जो है कीटाणुओं का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है। तो बाबा कहते स्वयं भी आप मास्टर सूर्य की तरह रहो। स्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो चलते फिरते आप स्तंभ हैं, चलते फिरते आप एक एग्जाम्पल। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।